क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक ऐसी बावड़ी है जो कि ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी बताई जाती है। इस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी। यह अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस बावड़ी में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है जिनमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चांद बावड़ी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद बावड़ी अपने आर्किटेक्चर, खूबसूरती और गहराई के लिए पूरी दुनिया में इकलौती मानी जाती है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसे निकुंभ वंश के राजा चांद ने लगभग 8th या 9th सेंचुरी में बनवाया था। इस बावड़ी की देखरेख आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है। पहले यहां एंट्री बिल्कुल फ्री थी, लेकिन अब आपको यहां एंट्री करने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। बावड़ी चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई है। यह बावड़ी देखने में बहुत शानदार और काफी बड़ी है, जिसका एंट्री गेट नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ से है। बावड़ी में एंट्री करने के लिए बड़े बड़े गलियारे दिखाई देते हैं जिनमें बहुत सी प्राचीन खंडित मूर्तियां मौजूद है। बावड़ी की चार दीवारी, बगल वाले बरामदे और एंट्री करते ही जो एरिया आता है वो मेन कंस्ट्रक्शन प्लान में नहीं थे और इन्हें बाद में बनवाया गया था। ये बावड़ी परफेक्टली स्क्वायर शेप में बनी हुई है जिसकी हर साइड की लंबाई 35 मीटर है। बावड़ी की तीनों तरफ हजारों सीढ़ियां बनी हुई है और चौथी तरफ जो कि बावड़ी की नॉर्दर्न साइड है उसमें कई मंजिलों में पिलर्स पे खड़े हवादार गलियारे बने हुए हैं। इस बावड़ी में 13 मंजिलें हैं और इसकी गहराई 19.5 मीटर बताई जाती है। यहां ऊपर से नीचे उतरने के लिए पिरामिड की शेप में एक जैसी 250 आइडेंटिकल डबल साइडेड सीढ़ियों के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिनमें अगर सीढ़ियों की गिनती की जाए तो यहां की टोटल सीढ़ियां 3500 बताई जाती है। इन सीढ़ियों की बनावट एक ट्रायंगुलर पिरामिड के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जैसी लगती है। इन सीढ़ियों की बनावट देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन की कल्पना करना भी इंसान के बस की बात नहीं हो सकती है। इतनी सारी सीढ़ियों के होने की वजह से बावड़ी को सीढ़ियों की भूलभुलैया भी कहा जाता है। इन सीढ़ियों के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि कोई एक बार जिस सीढ़ी से नीचे उतर जाता है वो सीढ़ी से वापस ऊपर नहीं आ सकता है। बावड़ी के नॉर्दर्न पार्ट में पिलर्स के ऊपर मल्टी स्टोरी कॉरिडोर्स बने हुए हैं। गलियारों के रूप में मौजूद ये कॉरिडोर्स बहुत शानदार लगते हैं। इन गलियारों में खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई है। बावड़ी की सबसे नीचे वाली मंजिल में दो ताखों में भगवान गणेश और मां दुर्गा की मूर्तियां बनी हुई है। बावड़ी के अंदर अंधेरी उजाली नाम की गुफा मौजूद है। इस गुफा से एक 17 किलोमीटर लंबी सुरंग भांडरेज गांव में निकलती है। ये सुरंग लड़ाई और इमरजेंसी के टाइम काम आया करती थी। कहा जाता है कि ये बावड़ी हॉन्टेड है। किंवदंती के अनुसार सालों पहले बावड़ी की अंधेरी उजाली गुफा में एक बारात घुसी थी जो आज तक बाहर नहीं आई। पूरी की पूरी बारात इस गुफा में ही गायब हो गई थी। इस बावड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन एक ही रात में हुआ है, क्योंकि एक रात में इतनी बड़ी बावड़ी को बनाना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल काम है। इसलिए कहा जाता है कि इस बावड़ी को एक जिन ने बनाया था। पास ही हर्षद माता का भव्य मंदिर है जो कि इस बावड़ी के टाइम का ही है। इसे भी राजा चांद ने ही बनवाया था। ये बावड़ी टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ फिल्मों की शूटिंग के लिए भी पसंदीदा जगह बनती जा रही है। अब तक यहां पर भूल भुलैया, द फॉल, द डार्क नाइट राइजेस, बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल और भी कई देशी और विदेशी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बावड़ी कहां है और यहां तक कैसे पहुंचे। ये बावड़ी दौसा जिले के आभानेरी गांव में है। आभानेरी का पुराना नाम आभा नगरी था
जिसे राजा चांद ने बसाया था। प्रेजेंटली ये गांव दौसा जिले में जयपुर आगरा रोड पर सिकंदरा चौराहे से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। जयपुर से आभानेरी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐतिहासिक सुंदरता से भरी हुई दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी को देखना है तो आपको यहां जरूर आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।